हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब आज का हमारा टॉपिक है बेयर स्ट्रेन थ्योरी अब क्या है हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये थ्योरी हमारी साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी डिस इसमें हम डिस्कस करते हैं उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं इसमें हम कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी ज़्यादा होगी तो जो हमारे जो हायर साइक्लो एल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर साइक्लो एल्केन्स तो इसके रिगार्डिंग एडोल्फ वोन बेयर ने एक स्टोन थ्योरी दी जिसे बेयर स्टेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है तो ये थ्योरी क्या कहती है इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोर कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल बिटवीन एनी टू वैलेंस बोन्ड इज 109 डिग्री 28 एट सेकेंड इस थियोरी के फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कार्बन की हमारी जो है वो जो चार वैलेंसीज होती हैं वो जो टेटराहेड्रोमेट्री जो में वो जो है टैट्रन के चारों चारो कोर्नर्स पे आपकी डायरेक्ट होती है और जो किसी भी दो बोंड एंगल्स का वैलेंस बोंड के बीच का जो एंगल है वो वन डिग्री ट्वेंटी एट है पोस्टुलेट द वेन्सीज ऑफ कार्बन आर नॉट रिजिड एंड दे आर डायरेक्शन कैन भी चेंज बट एनी सच चेंज विल प्रोड्यूस ए स्ट्रेन एंड दस द कम्पाउंड विल बिकम स्टेबल अनस्टेबल क्योंकि जो कार्बन की जो वेलेंसीज होती हैं वो रिजिड नहीं होते और उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है लेकिन यदि वो चेंज होती है तो इससे क्या है मोलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन आता है और जो हमारा वो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाता है तो मीन्स जो वैलेंसीज हैं वो रिजिड नहीं होती उन्हें हम चेंज वो चेंज हो सकती हैं। और यदि वो चेंज होंगी तो मोलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन आएगा और वो अनस्टेबल हो जा, हो जाएगा हम नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है द ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वैलेंस एंगल ग्रेटर इज द स्ट्रेन एंड कंसिक्वेंटली ग्रेटर इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड कहा है कि जितना ज्यादा हमारे नॉर्मल जो बैलेंस एंगल है हमारा टाटा डल का वन हंड्रेड नाइन डिग्री ट्वेंटी एट सेकेंड उससे जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड के अंदर स्ट्रेन आएगा और उतना ही ज्यादा वो अनस्टेबल हो जाएगा नेक्स्ट प्वस्टूलेट ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ साइक्लो एल्केन रिंग आर कोपलेनर सबके सब कार्बन एटम जो होते हैं साइक्लो एल्केन रिंग के वो कोपलेनर होते हैं ये कुछ ये हमारा एप्लीकेशन है बेयर स्ट्रेन थ्योरी का क्या एप्लीकेशन है बे स्ट्रेन थ्योरी में हम जो क्या है वो जो एंगल स्ट्रेन है वो कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जितना ज्यादा आपका डेविएशन होगा वेलेंस एंगल से उतना ही ज्यादा हमारा अनस्टेबल कंपाउंड होगा अब वो कितना डेविएट होगा कितना डिफ्लेक्ट करेगा नॉर्मल पोजिशन से उसके रिगार्डिंग जो है ये हम उसे कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है डी इज इक्वल टू हाफ वन ज़ीरो नाइन पॉइंट फाइव माइनस के अल्फ़ा डी क्या है कितना हमारा बॉन्ड एंगल में कितना डेविएशन होना हो रहा है कितना डिस्ट्रोशन हो रहा है और अल्फ़ा क्या है हमारा साइक्लो का बॉन्ड एंगल अब ये बॉन्ड एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बोन्ड एंगल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है इज इक्वल टू टू एन माइनस टू इन टू नाइनटी अपॉन एन एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अब फॉर एग्जांपल हमें जैसे साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन निकालना है कि कितना वो नॉर्मल से डेविएट होगा तो इसके लिए पहले तो हम साइक्लोप्रोपेन के अंदर एंगल कितना है वो एंगल बोन्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर हमारे क्या है तीन कार्बन एटम होते हैं तो एन की जगह हमने वैल्यू रख ली थ्री तो यहाँ से हमने आप एल्फा की वैल्यू निकाली एल्फा मींस बोंड एंगल तो उसका जो बोन्ड एंगल निकल के आया वो निकला सिक्सटी अब हम निकालेंगे उसका एंगल स्ट्रेन वो नॉर्मल बोन्ड एंगल से कितना डेविएट हो रहा है तो ये फॉर्मूला है हमारा डीजूकल टू हाफ वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव माइनस एल्फाब एल्फा हमने भी कैलकुलेट किया कितना निकला सिक्सटी तो जो डेविएशन निकला वो निकला ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव तो ये जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं ये आपका जो डेविएशन होता है वो दोनों तरफ होता है तो आपका ये नॉर्मल ये हमारा टोटल टौ, पूरा एंगल वन हंड्रेड नाइन डिग्री हंड्रेड नाइन पॉइंट फाइव डिग्री का है तो ये दोनों तरफ कितना कितना डेविएट हो रहा है 24.75 डिग्री दोनों तरफ इतना इतना उसके अंदर डेविएशन आ रहा है तो ये हमने इतना ये उसका एंगल स्ट्रेन निकाला कितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन हम वो उसका कितना एंगल स्ट्रेन आ रहा है उसके अंदर और जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन आएगा मतलब जितनी ज्यादा डी की वैल्यू होगी हमारी उतना ही ज्यादाMolecule हमारा अनस्टेबल होगा ये हमारे तीन साइक्लो एल्केन्स और हैं साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन अब हम इनके अंदर भी डेविएशन कैलकुलेट करेंगे पहले वो हम एल्फा कैलकुलेट करेंगे मीन्स बॉन्ड एंगल कितना है तो साइक्लोब्यूटेन में निकला वो 90 साइक्लोपेंटेन में 108 और साइक्लोहेक्सेन हेक्ण के अंदर 120 अब हम इसका डेविएशन निकालेंगे तो जो ब्यूटेन का डेविएशन निकला वो निकला 9.75 साइक्लोपेंटेन का 0.75 डिग्री और साइक्लोहेक्सेन का माइनस के फाइव डिग्री तो हमारा जो डेविएशन आ रहा है वो सबसे कम किसके अंदर आ रहा है साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन की वैल्यू चूंकि सबसे कम आ रही है पॉइंट डिग्री तो जो बोन्ड एंगल का जो डेविएशन आ रहा है वो हमारा सबसे कम किसके अंदर आ रहा है साइक्लोपेंटेन के अंदर ये ये हमने जो है टेबल के फॉर्म में लिया लिया है इसे साइक्लोप्रोपेन का हमारा कितना निकला था 24.75 साइक्लोब्यूटेन का 9.75 साइक्लोपेंटेन का 0.75 और साइक्लोहेक्सेन का -5 5.25 तो सबसे कम जो एंगल स्ट्रेन आ रहा है वो किसका आ रहा है हमारा साइक्लोपेंटेन का तो इस थ्योरी के बेसिस पे हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो आपका जो है साइक्लोपेंटेन जो है वो तो मोस्ट स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू हमारी सबसे कम आ रही है और जो साइक्लोप्रोपेन है वो हाईली अनस्टेबल है क्यों चूँकि इसके अंदर जो है एंगल स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे ये थ्योरी हमारी सेटिस्फैक्ट्रीली साइक्लो की और उसके हायर मेंबर्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई हमारा इस थ्योरी के बेसिस पे साइक्लोपेंटेन जो है हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग और साइक्लोहेक्गजेन की स्टेबिलिटी हमारी साइक्लोपेंटेन के कंपैरिजन में कम है लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं साइक्लोहेक्गजेन की स्टेबिलिटी साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा होती है और जो और दूसरे साइक्लोहेक्गजेन जिनके अंदर हमारे छः से ज़्यादा कार्बन एटम हैं उनकी स्टेबिलिटी भी हमारी साइक्लोपेंटेन के बराबर ही है तो हमारी बियर स्टेन थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों है हमारी साइक्लोहेगजेन की स्टेबिलिटी साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा क्यों है और जो और हायर मेंबर्स हैं हायर साइक्लो एल्केस हैं उनकी स्टेबिलिटी हमारी साइक्लोपेंटेन के बराबर क्यों है जबकि हमारा साइक्लोपेंटेन के अंदर एंगल का डेविएशन जो है वो सबसे कम आ रहा है तो इसका रिगार्डिंग शास्त्री और मोहर ने एक थ्योरी दी थी इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए उसने जो है हमारी जो है लार्जर रिंग कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इस थ्योरी के बेसिस पे हमारी एक्सप्लेन होती है तो इन्होंने शास्त्री और मोड़ ने ये जो हमारी स्टेनलेस स्टेनलेस रिंग थ्योरी दी थी तो ये क्या कहती है कि साइक्लोहेक्जेन और जो लार्जर रिंग्स होती हैं वो प्लेनर नहीं होते वो हमारे स्ट्रेन फ्री पकड़ स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं जिसमें हर कार्बन एटम जो है अपने वैलेंस एंगल को मतलब हर कार्बन एटम का ये आपका वैलेंस एंगल यही होता है 1.0.9.5 तो उसने ये कहा कि वो हमारे जो जा, जा हायर मेंबर्स हैं वो हमारे प्लेनर ना हो कि किस स्ट्रेन स्ट्रेन स्टेन फ्री पकड़ स्ट्रक्चर में होते हैं वो प्लेनर ना होके पकड़ स्ट्रक्चर में होते हैं तो इस वजह से जो है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है चूंकि अब उनका अंदर वैलेंस एंगल का डेविएशन नहीं होता वैलेंस एंगल उतना का उतना ही रहता है हमारा वन डिग्री ये थी हमारी वैलेंस बोन थ्योरी सॉरी बेयर स्टेंड थ्योरी थैंक यू